अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खादरी NRQ24 न्यूज़ से। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जलपल्ली म्यूनसिपल इलेक्शंस के मौके पर हम यहाँ के जो वार्ड नंबर 3 की से जो कैंडिडेट हैं MIM पार्टी से कैंडिडेट हैं अहमद कसादी, वो हमारे सामने हैं और उनके साथ में उनकी पूरी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। तो हम इनसे मालूम करेंगे कि यहाँ की आवाम इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं आवाम को, जैसा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है लोगों को, जैसे कि रोडें सही नहीं हैं, यहाँ की बोरियाँ सही नहीं हैं, नालियाँ सही नहीं हैं, रोड लाइन सही नहीं है, और जैसे कि मेन हॉल्स की बहुत प्रॉब्लम है। और ख़ास तौर पे तो हमने अंदर जाकर थोड़ा सर्वे किया, अभी थोड़ी पहले हम सर्वे करके आए, जैसे कि रॉयल कॉलोनी है, नबी कॉलोनी के अंदर से जो रास्ता है वहाँ पर भी गए थे हम, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को पानी की तकलीफ़ है। तो इस ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं अहमद कसादी वार्ड नंबर 3 से हूँ, MIM कैंडिडेट से ठहरा हूँ मैं यहाँ पर। ये जो आप जहाँ पर ठहरे हैं, ये कम से कम 150 साल बस्ती है। ये जो यहाँ पर हमारे अब्दुर्रहमान कुरैशी साहब है, जो मेरे मकान है इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम 150 साल से यहाँ पे, और हमेशा से यही ड्रेनेज और पानी की किल्लत, आज तक भी पानी नहीं पहुँचा यहाँ पे। भाई वजह क्या है कि हमारी यहाँ पे जमात काम नहीं करी है, यानी MLA MP नहीं रहे यहाँ पे, हमेशा से कांग्रेस के, TRS के, अब तो TDP के भी रहे, TRS के, तो ये 6 साल होगा, 5 साल थे और ये 1 साल, आज तक भी कुछ भी नहीं हुआ। जितना हो सके हम मंडल से जो बजट लाए वहाँ पे लगाए, कुछ एरियों में वादिया जुबन है, शेब कॉलोनी है, अमरीन कॉलोनी है, अंडर डेनिल कराया हूँ, और कुत्ता पेट की मेन रोड जो 30 साल हो गए थे कोई नहीं बनाया, कहीं सरपंच आगे गए, कहीं MLA, कहीं MP गए, आप वही रोड से आए होंगे नबील कॉलोनी से, 1,60,00,000 का जो हैदराबाद डेवलपमेंट से लेकर आके हम वो काम करवाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी MIM की बहुत बड़ी है, और ये भी एरिया जो है सो उसी से आता है, वहाँ से म्यूनसिपल से कोई बजट नहीं दिए, तो हम MIM चंद्रायन गुट्टे से लेकर ये काम यहाँ पे करवाए हैं, अंडर डेनिल और रोडा जी। बस इंशाल्लाह। लेकिन अब जैसा कि हम जैसे सर्वे करें हैं यहाँ पर, सर्वे करने के हमने कई सारे आवाम कन्फ्यूज है कि हम किसे वोट दें किसे वोट ना दें, तो इस ताल्लुक से आप आवाम को क्या मुतमईन करेंगे अपनी बात से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भरोसा दिलाता हूँ MIM की तरफ से, ये जमात हमेशा काम करने वाली जमात है, आप भरोसा करके इस जमात को वोट डालिए, क्योंकि हमेशा से दूसरे जमातें रही वो तो आपको मालूम है, इस जमात पर भरोसा करिए, इंशाल्लाह म्यूनसिपल बना है, म्यूनसिपल से हम जितना हो सके लड़कर बजट लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे थे इस वक्त हम जलपल्ली म्यूनसिपल इलेक्शंस के मौके पर वार्ड नंबर 3 का हम पूरा सर्वे कर चुके हैं यहाँ का, और साथ ही में MIM पार्टी के जो कैंडिडेट हैं अहमद कसादी, उनसे भी हमने बातचीत की, और इन लोगों ने कहा है कि कई सारे जो मसले मसाइल हैं आवाम के वो उनसे हल करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ NRQ24 न्यूज़ की हमारी तमाम टीम यहाँ पर मौजूद हैं, खालिद बलाभक, अब्दुलरहमान और सैयद फैज़ बाबा। इसी के साथ मैं सैयदा नाहिदा कादरी, कैमरामैन सैयद फैज़ के साथ, इसी तरह मैं आपके सामने सच्चाई दिखाते रहूँगी। इंतजार करिए मेरे अगले न्यूज़ का, मेरे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।